मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद सरकार के गठन प्रक्रिया में हो रही देरी से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के भीतर चेहरे को लेकर अंदरूनी लड़ाई जारी है। और वही नई सरकार के गठन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि नई सरकार के गठन से पूर्व कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे पूरी करनी है, इसके बाद ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षक जल्द ही मणिपुर आएंगे और प्रक्रिया शुरू होगी। Sir, when we can see the new government, sir? A new government need to be follow the formalities. Observer should become and leader will be elected. So some it will take some time. Did the observer from the center have arrived Manipur? I'm expecting soon. यहाँ बता दें कि अगले मुख्यमंत्री के नाम का भाजपा ने अब तक ऐलान नहीं किया है। भाजपा एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ी है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई मंचों पर साफ तौर पर संकेत दिए थे कि भाजपा बीरेन सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। उधर मुख्यमंत्री के नाम के रेस में बीरेन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वजीत सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। इनके कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए गोविंदा सिंह का नाम भी सामने आ रहा है।